फिर ये नीचे गया बाद में वहां पे गया मतलब इसके साथ गया बाहर तक छोड़ने फिर जब इसने दरवाजा बंद किया एक दफा इसने दरवाजा बंद किया था वो फिर से खुल गया था इसने वापस ऐसे लिया था ना अपने हाथ को तो इस साइड पे पूरा मतलब यहां पे कैसे आ सकता है इसने ऐसे इसको कुंडी को पकड़ा था ना कुंडी को खींच रहा था अंदर की ओर खींचते वक्त इसको यहां से आ गया मैंने जब इसको देखा अम्मी वहां पे थी उसने इसको ऐसे ऐसे रखा था उसको बोल रही थी जुनैद सुन बांबर क्या तू चुप ठीक ये को खबर का परतास मैंने इसको बोला जरा छोड़ो मैंने इसको छेद छेद दे के मुझे सीधे लगा ये पैलेट है मैंने इसको पहले आंखों को चेक किया इसको आंखें ठीक है मैंने अम्मी को बोला ये पैलेट है पैलेट नुकसानदेह नहीं होता है इससे इंसान जख्मी होता है लेकिन मर नहीं जाता है इससे कोई भी इसकी आंखें ठीक है अब ये ठीक है फिर मैंने इसके कान पे खून देखा मुझे लगा इसको कान में आया है लेकिन फिर जब हम सौरा गए उन्होंने सीटी स्कैन किया उन्होंने बोला इसको यहां पे ब्रेन पे आया है इसको लेकिन उन्होंने बोला माइनर चोट है डॉक्टर डिस्कस करा बह रूस पत्क नजर मे ऐसा दिवान बोजन क्या पुलिस वालों कड़स बहुत खखरी नबर मे ऐसा दिवान बोजन बह ऐस चूर डॉक्टर उस वन ये दपा थोड़ा सा ये आमुत सह मसल करो अमिस ऑपरेट ये ब्रेन अमिस थोड़ा ब्लड क्लॉट गोमुत तम वजह ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने बोला 75% आपका भाई ठीक है फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई उन्होंने हंस के मुझे बोला किसने कहा आपका आपके भाई को कुछ हुआ है वो तो ठीक है ऐसे ही बोला उस डॉक्टर ने मुझे नाम उसका नहीं पता लेकिन मैं देख के उसको पहचान सकती हूँ मुझे किस डॉक्टर ने क्या क्या बोला मुझे सब कुछ याद है दूसरे डॉक्टर ने मुझे बोला 75% वो ठीक है एब्डोमेन में उसको कोई भी परेशानी नहीं है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन है वो भी ठीक हो जाएगी।